गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों आज हम एक ही मात्रा वाले शब्द लिखना और पढ़ना सीखेंगे। वैसे तो बच्चों हिंदी की जो बुक में मैंने आपको सारी मात्राएं अच्छे से रीडिंग करना सिखाई थी और लगाते कैसे हैं लिखते कैसे हैं वो भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अब मैं फिर से आपको इस वर्कबुक में आपकी हिंदी की वर्कबुक में मात्राओं को लिखते कैसे हैं लगाते कैसे हैं वो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। और साथ में इन्हें बोलते कैसे हैं एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराती जा रही हूँ, फिर से समझती जा रही हूँ, ठीक है। आप भी घर पे बार बार में इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। हिंदी रीडिंग करना और लिखना दोनों ही तरह से आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। चलिए एक ही मात्रा, ए से जो एडी होता है बच्चों उसकी एक मात्रा लगती है, कितनी लगती है एक, ठीक है। इस मात्रा को लगाते कैसे हैं लिखते कैसे हैं और इससे बोलते कैसे हैं इसको मैं फिर से आपको आज बताती हूँ। जैसे बच्चों ये पहला डायग्राम दिया है करेला, अब ये कैसे लिखा है बच्चों, देखो क र पे एक ही मात्रा आएगी। अब एक ही मात्रा लिखी कैसे है बच्चों, जो र लिखा है इसी के ऊपर ले जाके इस तरह से एक लाइन ले जाते हैं और उसे अंदर की तरफ टर्न कर देते हैं, छोटा सा गोला बनाते हैं, तो ये बनती है एक ही मात्रा। ए से एडी किसकी मात्रा है ये बच्चों, एक ही। कितनी लगाई हमने, एक, ठीक है। कितनी लगाते हैं एक ही मात्रा, एक, वन, ठीक है। अब इसे बोलेंगे कैसे बच्चों, तो देखिए क र पे एक ही मात्रा रे, ए करके बोलते हैं। एक ही मात्रा को कैसे बोलेंगे बच्चों, ए करके। र पे एक ही मात्रा रे, ले पे आ की मात्रा ला। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं बच्चों, ये शब्द क्या बन गया, क रे ला करेला, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं क र, र पे एक ही मात्रा कैसे लिखी, देखो इस तरह से इसके ऊपर ले गए और ऐसे छोटा सा घुमा दिया तो ये बन गया एक ही मात्रा, और फिर ल पे आ की मात्रा करेला, ठीक है। इस तरह से नीचे वाले वर्ड्स भी लिखेंगे हम, क र लिखना, र के ऊपर इस तरह से ले जाके एक मात्रा लगाएंगे और ल पे आ की मात्रा करेला, क र एक ही मात्रा रे, र पे एक ही मात्रा रे करेला। नेक्स्ट दिया है बच्चों हमें, देखो र पे एक ही मात्रा रे, ले गे पे आ की मात्रा गा, दे पे बड़ी की मात्रा डी, क्या बना, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। देखिए र एक की मात्रा लगाई रे, ले गे पे आ की मात्रा गा, डी रेलगाड़ी। इस तरह से ढंग से बोलते हुए लिखना है आपको, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। कैसे बोला हमने एक ही मात्रा को, ए करके, कैसे पढ़ रहे हैं, ए करके। देखिए भय, भय पे जो स्टैंडिंग लाइन है बच्चों, भय की जो सीधी लाइन होती है स्टैंडिंग लाइन, इसके ऊपर ऐसे ले जाके बनाते हैं तो ये एक ही मात्रा लगती है। एक ही लगानी है, केवल वन लगानी है, ओके। तो ये बन गया भे, भेड़ है, भेड़। फिर से देखिए हमने भ लिखा, ये जो सीधी लाइन है इसकी स्टैंडिंग लाइन, इस पर एक मात्रा लगा दी, उसके बाद हमने ड लिख दिया तो क्या बन गया, भ पे एक ही मात्रा भेड़ है, भेड़, भे। भ पे एक ही मात्रा क्या बोलेंगे, भे। भ पे एक ही मात्रा भे, भेड़ है, भेड़। नेक्स्ट दिया बच्चों स, स पे एक ही मात्रा सेब है, सेब, ठीक है। इस तरह से हम ये सारे अक्षर जो शब्द दिए हैं बच्चों, ये सारे शब्दों को हम रीडिंग कर रहे हैं और साथ में लिखते जा रहे हैं। फिर से स, स पे एक ही मात्रा से ब से, स, स पे एक ही मात्रा से ब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों नीचे वाले करेंगे शब्द, एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करी, अ लिखा और उसके बाद ना लिखा, न पे एक ही मात्रा लगा दी ऊपर ले जाके तो बन गया ने, न पे एक ही मात्रा ने, और क तो क्या बन गया, अनेक, अनेक। अ न पे एक ही मात्रा ने, क अनेक, क्या बोलेंगे इसे, अनेक, अनेक, अनेक। नेक्स्ट है बच्चों मेमना, मैं पे एक ही मात्रा, मैं की जो स्टैंडिंग लाइन है बच्चों इसके ऊपर लगी है, फिर एक बार और मैं, ने पे आ की मात्रा ना, मेमना, क्या बोलेंगे, मैं पे एक ही मात्रा मेमना, मैं पे एक ही मात्रा क्या बोलेंगे, मे म ना, मेमना।
मैं पे एक की मात्रा, देखो कहाँ से लगा रहे हैं हम, जो ये स्टैंडिंग लाइन है इसके ऊपर ले जाके इस तरह से वन मात्रा लगा दी, तो मेमना मेमना क्या बना, मेमना। नेक्स्ट है बच्चों ब, र पे एक की मात्रा रे, ली बरेली, ब र पे एक की मात्रा रे ली बरेली, ब र पे एक की मात्रा रे ली बरेली। चलिए अगला शब्द क्या दिया है बच्चों, सहेली। कैसे लिख रहे हैं, स ह, ह लिखेंगे और है कि जो स्टैंडिंग लाइन की जो छोटी सी सीधी लाइन होती है बच्चों इसके ऊपर मात्रा लगाते हैं, इसे क्या बन गया हे, और ल, ल पे बड़ी की मात्रा ली, सहेली। नेक्स्ट स हे ली सहेली, स हे ली सहेली। ठीक है चलिए नेक्स्ट पेज, एक ही मात्रा के और शब्द दिए हैं वो भी लिखते हैं हम। पहला शब्द दिया बच्चों हमें केतली, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर दी पहले, फिर क लिखा हमने, क क की जो देखो बच्चों ये स्टैंडिंग लाइन है जो बीच में सीधी लाइन आती है इसके ऊपर ले जाके हम एक ही मात्रा लगाते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, के, के त ली केतली। फिर से देखिए स्लिपिंग लाइन, क लिखा एक ही मात्रा लगाई, क्या बना के, क पे एक ही मात्रा के त ली केतली, क पे एक ही मात्रा के त ली केतली। नेक्स्ट है ठटेरा, ठ ठ पे एक ही मात्रा, एक बार और ठ लिखेंगे उस पर एक ही मात्रा लगाएंगे ऐसे ऊपर ले जाके, ठीक है बच्चों। और उसके बाद रे पे आ की मात्रा, क्या बना ठ ठेरा, ठटेरा। एक ही मात्रा को कैसे बोला हमने, ए करके, ठीक है। फिर से देखो ठ, एक बार और ठ लिखा, इसके ऊपर मात्रा लग गई तो क्या बना ठे और रा, ठ ठेरा ठटेरा, ठ ठेरा ठटेरा। चलिए नेक्स्ट है बच्चों कपड़े, कैसे लिखा, स्लिपिंग लाइन, क प ड पे ए की मात्रा ऐसे, तो क्या बन गया डे। अब पूरा बोलेंगे, क प ड पे ए की मात्रा डे कपड़े, क प डे कपड़े। नेक्स्ट है नेवला, ना न की स्टैंडिंग लाइन पे एक की मात्रा लिखेंगे ऊपर ले जाके, तो बन गया ने व ला नेवला, ने न पे एक की मात्रा ने व ला नेवला। फिर से देखिए न एक की मात्रा ने व ला नेवला, राइट। चलिए नेक्स्ट बच्चों प, स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करी, प ह पे एक की मात्रा है ली पहेली। फिर से देखिए प हे ली पहेली, प ह पे एक की मात्रा है ली पहेली। नेक्स्ट है परेशान है, परेशान, परे रे पे की मात्रा रे शान है परेशान। फिर से देखिए प रे पे की मात्रा लगाई रे, शे पे आ की मात्रा शान है, क्या बना परेशान। नेक्स्ट है बच्चों केला, देखो क्या लिखेंगे, क की स्टैंडिंग लाइन पे हम ऊपर एक एक ही मात्रा लिखेंगे, तो बन गया केला, केला, के ल पे आ की मात्रा ला केला, के ला केला।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अकेला कैसे लिखा हमने, पहले लिखा ए, कप ए की मात्रा के, ले पे आ की मात्रा ला, अकेला। अ के ला अकेला, अ के ला अकेला। ठीक है बच्चों, तो देखो ए की मात्रा हमने यहाँ तक पहले तो ये वर्कबुक की पेज कंप्लीट किए, अब टर्न योर पेज, पेज टर्न करेंगे हम तो इसकी एक्सरसाइज आएगी। ठीक है, ए की मात्रा की एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। इसमें दिया है कि चित्र देखकर उचित स्थान पर ए की मात्रा लगाओ। देखो बच्चों ये पिक्चर्स दिए, इनके नीचे इन पिक्चर्स के नीचे इनके नेम दिए हैं। अब हमें देखना है कि इन नेम में ए की मात्रा कहाँ लगती है। ठीक है, ए की मात्रा कहाँ लगाएंगे और उसे फिर पूरा अच्छे से रीडिंग करेंगे तो क्या बनता है। ठीक है, देखो बच्चों ये दिया है क र ला, करला। अब बच्चों करला नहीं बोलते, इसे हम क्या बोलेंगे, करेला। तो हमें कैसे लिखना है, देखो क कैसे बोला हमने, करेला करेला करेला, मतलब रे के ऊपर मात्रा आएगी, रे पे एक ही मात्रा लगा दी तो क्या बना, करेला करेला। नेक्स्ट है बच्चों रल गाड़ी, रलगाड़ी, रलगाड़ी नहीं बोलते इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेलगाड़ी। क्या बोलेंगे, रेलगाड़ी। तो रे पे एक ही मात्रा किस पे आएगी, रे पे, रे पे एक ही मात्रा, रेल गाड़ी रेलगाड़ी। नेक्स्ट है बच्चों म मना, इसे हम जब पढ़ रहे हैं बच्चों जो बिना मात्रा के जो शब्द दिए हैं तो पहले उसे हमने पढ़ा तो क्या बना, ममना ममना, ये ममना। ये बच्चों ये जो पिक्चर दिया है ये ममना नहीं होता, इसे हम क्या बोलते हैं, मेमना। ठीक है, तो मेमना। तो जो पहला मैं जो दिया है इसके ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे, मैं भी एक ही मात्रा लिखेंगे तो ये बन गया मेमना मेमना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सब सब। अब देखिए बच्चों यहाँ पिक्चर्स में सेब का डायग्राम दिया, किसका दिया है बच्चों, सेब का, और यहाँ लिखा है सब सब, इसे हम सब नहीं बोलते, क्या पढ़ते हैं इसे हम, सेब। तो मतलब सेब सेब, मतलब से के ऊपर एक ही मात्रा आएगी तो क्या लिख रहा है, सेब सेब, क्या बन गया, सेब। नेक्स्ट है कतली, कतली, ये कतली नहीं है, इसे क्या बोलेंगे हम, केतली के केतली। तो क्या पे एक ही मात्रा, केतली। ठीक है बच्चों, मात्रा लगाने पे शब्द सही बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ठठरा, ठठरा नहीं, क्या बोलेंगे इसे हम, ठठेरा ठठेरा। तो इस वाले सेकंड जो ठ है इसके ऊपर मात्रा लग जाएगी तो ये बनता है ठठेरा। नेक्स्ट है कपड़ कपड़, कपड़ कपड़ नहीं, क्या बोलते हैं इसे हम, कपड़े। तो कपड़े, क्या बोला हमने, कपड़े, मतलब डे पे एक ही मात्रा, इस तरह से वन मात्रा लगेगी तो बन गया कपड़े। नेक्स्ट है नवला, नवला नहीं, ये क्या है, नेवला। क्या बोला हमने, नेवला, मतलब ने पे एक ही मात्रा आएगी तो नेवला नेवला, क्या बन जाएगा, नेवला। नेक्स्ट है भड़ भड़, ये भड़ का डायग्राम नहीं है बच्चों, ये किसका, भेड़ का डायग्राम है। ठीक है, इसे हम भेड़ बोलते हैं, तो भेड़ जब हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, भेड़ है भेड़, मतलब भे के ऊपर मात्रा लगेगी एक ही तो बन जाएगा भेड़ है भेड़। चलिए नेक्स्ट बच्चों, दूसरी एक्सरसाइज दी है, इसमें आपको एक ही मात्रा ही करना है। इसमें दिया कि चित्रों को उनके सही नाम से मिलाना है। दोनों साइड बच्चों चित्र दिए हैं, डायग्राम्स दिए हैं और बीच में इनके नेम दिए, तो हमें चित्र देखते जाना है और जो इनके नेम है उससे हमें इनको मैच करते जाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट डायग्राम आपका दिया है बच्चों केतली। अब बच्चों देखो इसमें केतली कहाँ लिखा है, ये रहा। ठीक है, तो इसको हम केतली से मैच करेंगे, या फिर तो बच्चों आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप पहले पिक्चर्स को देखिए फिर नेम से मैच कीजिए, या आप इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप नेम पढ़ते जाइए फिर उनकी पिक्चर से उन्हें हम मैच करते जाएंगे। फाइन, तो हम ऐसे भी करेंगे, जैसे पहला नेम दिया है रेल गाड़ी, रेलगाड़ी। अब पिक्चर्स में देखिए बच्चों रेलगाड़ी कहाँ दी है, ये रही। तो हमें इस जो ये जो शब्द है रेलगाड़ी, इसे हम रेलगाड़ी इस पिक्चर से मैच करेंगे। नेक्स्ट है भेड़ है भेड़, भेड़ का है बच्चों, ये रही, भेड़ शब्द को उसकी पिक्चर भेड़ से मैच करेंगे। नेक्स्ट है सेब है सेब, कहाँ है बच्चों सेब, ये रही, तो इसे हम सेब से मैच करेंगे, इस तरह से लाइन खींच के हम मैच करते हैं। नेवला नेवला, ये रहा नेवला का डायग्राम।
ऊपर, इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों ठठेरा, ठठेरा, ठठेरे का डायग्राम नीचे दिया है, इससे मैच करेंगे। केतली, केतली, ठीक है बच्चों, केतली का डायग्राम ऊपर दिया है, इसे केतली से मैच कीजिए। नेक्स्ट है करेला, करेला, चलिए इसे करेला से मैच करेंगे। नेक्स्ट है कपड़े, कपड़े, तो इसे हम कपड़े से मैच करेंगे। कपड़े का डायग्राम क्या दिया है बच्चों, ये यहाँ से इसे कपड़े से हमने मैच कर दिया, ठीक बच्चों। तो अभी मैंने आपको यहाँ तक की एक ही मात्रा, आज चैप्टर एक ही मात्रा करवाया आपको, ठीक है, उसके शब्द लिखवाएं और एक ही मात्रा लिखना सिखाइए और साथ में उनकी एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट करिए। फाइन, आप अपनी वर्कबुक में इसे बच्चों करिए और इन्हें रीडिंग करना, लिखना और पढ़ना दोनों तरह से सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।